माई चैनल। आज हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम है। आउटलाइन आपके सामने है, ये आउटलाइन है और नीचे प्रॉपर नोट्स हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन लिंक जो है वो लॉक्ड होगा, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। किसी भी टाइम मैं लिंक का पासवर्ड बता दूंगी, जब आप वो पासवर्ड लगाएंगे तो नोट्स आपके सामने PDF फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आउटलाइन है आपकी, वो बता दूँ वीडियो के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो इंट्रोडक्शन है लीगल सोर्सेज का, आपका लीगल सोर्सेज होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है लीगल सिस्टम के अंदर। फिर हम इसके प्राइमरी सोर्सेज देखेंगे, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंस एंड केस लॉज हैं आपके, और फिर सेकेंडरी सोर्सेज हैं कुछ, जैसे आपके स्कॉलर्स के जो पिछले वर्क्स हैं वो सारे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन जो हैं वो इंक्लूड होंगी, और आपका कस्टम्स कस्टमरी लॉ आपके इंक्लूड होंगी। फिर इंट्रैक्शन हम देखेंगे इन लॉज की आपस में किस तरह से है, और एंड पर कंक्लूजन। सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम आपका होता क्या है, वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने लॉ को अप्लाई कराते हो और इन्फोर्स कराते हो अपनी आवाम के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपकी लीगल सिस्टम कहलाती हैं। लेकिन लीगल सोर्स आपके क्या होते हैं, जिससे आपका लॉ ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली सोर्स आप किस चीज़ को कह रहे होते हो, जहाँ से पर्टिकुलर चीज़ आपकी आई होती है। तो यहाँ पर हम लीगल सोर्स की बात कर रहे हैं कि लॉज आपके ओरिजिनेट किधर से हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, वो आपके सोर्सेज होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस अब हमारी क्यों ज़रूरत है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ें। अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ना चाहते हैं, आपको अगर उसके सोर्स का नहीं पता, तो आप उस लॉ को ना तो इंटरप्रेट कर सकते हैं और ना ही आप उसे अच्छे तरीके से इन्फोर्स करा सकते हैं। लिहाजा आपको इसके ओरिजिन का, लॉ के सोर्स का पता होना, क्योंकि सोर्सेज ही आपकी किसी भी चीज़ की फाउंडेशन सेट करते हैं। तो अगर आपको सोर्सेज का ही नहीं पता होगा, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस को ईजीली ना तो एनालाइज कर सकते हैं, ना इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना ही इन्फोर्स करा सकते हैं। ये चीज़ें, ये दो टॉपिक आपके कवर हुए, जिसमें आपने कवर किया कि लीगल सोर्सेज आपके पास होते क्या हैं, ओरिजिन है बेसिकली, ठीक है, आपका लॉ आया किधर से है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको एनालाइज, इंटरप्रेट और इन्फोर्स करने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। फाउंडेशन आपके बेसिकली सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब सोर्सेज जो लॉ के हैं, वो बेसिकली आगे उसकी दो टाइप्स हैं। एक तो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिसको आप फार्मर सोर्सेज भी कह सकते हैं, और दूसरी साइड पर आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जिसको आप इनफार्मर सोर्सेज भी कह सकते हैं। आपके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनकी फर्दर आगे तीन टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है, आपकी लेजिस्लेशन इन्वॉल्व होती है, और आपका प्रेसिडेंस एंड केस लॉ जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट डिस्कस किए थे, उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन दोबारा से फिर से बता देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, किसी भी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है आपके पास, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर रूल्स लिखे गए हैं कि आपने इस पर्टिकुलर कंट्री को चलाना किस तरह है, आपकी कंट्री के अंदर जो मौजूद अवाम है, इनके अपने राइट्स क्या हैं और इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं एज अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो करनी है, उन्होंने किन रूल्स को फॉलो करते हुए कंट्री को गवर्न करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई होती हैं। ठीक है, ये आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ इसको आप कहते हो। इसके मुताबिक आप एक पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न करते हो, आप उसे चलाते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिकली एक प्राइमरी सोर्स है आपके लॉ का, आपका जो लीगल सिस्टम है उसका प्राइमरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली चीज़, अगला जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स, अगर हम उसे कहें फॉर्मल और प्राइमरी सोर्स, तो वो आपके पास है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आपके पास क्या होती है, लेजिस्लेशन आपका होता है गवर्नमेंट कोई अगर कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन बनाती है, तो वो आपके लेजिस्लेशन में आता है। लेजिस्लेशन जब आप कोई भी रूल बनाते हो या फिर कोई भी रेगुलेशन बनाते हो कि आवाम को इन इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है, तो लेजिस्लेशन, उसको आप लेजिस्लेशन कहलाते हो। तो प्राइमरी सोर्स एक लेजिस्लेशन भी है आपका। फिर उसके बाद आपका पास आ जाता है प्रेसिडेंट एंड केस लॉ। अब मैं ये रीड आउट इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझना ज्यादा मुश्किल आसान है, समझना आसान हो जाएगा, समझ लेंगे आप, तो बाद में ये रीड आउट करेंगे तो चीजें इजी रहेंगी।
प्रेसिडेंट एंड केस लॉ आपके पास क्या होता है, प्रेसिडेंट्स और केस लॉ आपके पास होता है कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, प्रीवियस जज है, उसने पहले एक केस, अब आप एक जज हैं और आपसे पहले भी एक जज ने इसी तरह का केस जो अब आपके पास आया है उसको एनालाइज किया है और कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उसने कुछ डिसीजंस किए हैं। अब उन रूल को फॉलो करते हुए उसने डिसीजन किया, उसका एक फेयर जो है वो डिसीजन आया है एंड पर, उसने जो भी फैसला किया है। अब आपका एज अ जज ये ड्यूटी है कि आप ये चीज़ देखें कि मेरे से पिछले जज के पास सेम केस आया था, उसने कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस सारी चीज़ों को देखो, एनालाइज करो और फिर अपने डिसीजन को करो। इससे क्या चीज़ होगी, इससे एक फेयरनेस आएगी और कंसिस्टेंसी आएगी लीगल सिस्टम के अंदर और आपके लिए फैसला करना आसान होगा। इसलिए प्राइमरी सोर्स प्रेसिडेंस और केस लॉ आपके होते हैं। अब हमने एक चीज़ तो डिस्कस कर ली, ये वाली प्राइमरी सोर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे सेकेंडरी सोर्स को डिस्कस। सेकेंडरी सोर्स के अंदर आपके पास आ जाती है टोटल तीन चीज़ें। एक चीज़ तो आपके पास आ गई स्कॉलरली वर्क, यानी आपसे पहले जो ज्यूरिस्ट रह चुके हैं या फिर कोई लीगल वर्कर्स हैं उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस आ जाएंगी, ठीक है, और कस्टमरी लॉ आ जाएगा। ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं। लीगल सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लीगल स्कॉलरली वर्क्स यानी आपके पास जो लीगल वर्कर है उसने कोई किताब लिखी है, ठीक है, तो आप कह लो कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम उसने किताब लिखी है। ये किसी लीगल वर्कर ने ही लिखी है ना, लीगल राइटर ने लिखी है ना। अब ये जो वर्क है इसका आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लॉ को इंटरप्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके ओपिनियन की बेस पर आप लॉ को एनालाइज करा सकते हो, फिर आप देखोगे कि आपने लॉ को किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। ये इस तरह से ये सोर्सेज जो हैं, आप इधर से लॉ आया, ठीक है, आपको पता चल गया, इनकी वजह से आपको सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम को पढ़ने में और इंटरप्रेट करने में आसानी रही, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आपकी आ गई है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट की बॉडीज ने आपके रूल्स या फिर रेगुलेशन जो भी इशू किए हैं वो सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन में आ गई। तो ये भी एक सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम के है, लेकिन ये कौन सा सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ होता है आपका कस्टम। कस्टम अगर हम अपने पिछले कस्टम्स की तरफ जाएं तो पहले क्या होता था, हम सोर्सेज, ये एक बेसिकली सोर्सेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको। जिस तरह पिछले ज़माने में होता था कि आपके पास पंचायत थी, ठीक है, लोग पंचायत के थ्रू वहाँ पे बैठते थे, अपने फैसले करते थे, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं आपका लॉ ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि उस पंचायत के अंदर भी तो कुछ ना कुछ रूल्स रखे जाते थे जिनकी बेस पर फैसले किए जाते थे। ऑल्दो वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन एग्रीमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन वो आपके किसी ना किसी लॉ को प्रिडिक्ट कर रहे थे। इस तरह से ये कस्टम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लॉज को ओरिजिनेट करने में। फिर लॉ ओरिजिनेट हुआ है और फिर उसके बाद उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आई है, इवॉल्वमेंट आई है, तो वो मजीद प्रॉस्पर की है, ठीक है। अब इंटरेक्शन एंड इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की आपस में बहुत गहरा रिलेशन, किस तरह, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज आपकी बेसिकली एक चीज़ की फाउंडेशन रख देते हैं। अगर आप देखते हो इन सिंपल वर्डिंग, अगर आप लॉ से हट के कोई एग्जांपल लो कि चेयर चेयर कैसे बनी है, ठीक है, प्लास्किट इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है। अब आपको प्लास्किट का ही नहीं पता, सोर्स का ही नहीं पता, तो आप कुर्सी के बाकी फंक्शनैलिटी की तरफ आप नहीं जा सकते, आपको उसकी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, लिहाजा आपको पहले प्लास्किट का पता होना चाहिए। सेम एज इट इज़ आपको प्राइमरी सोर्सेज का पता होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह प्लास्किट एक फाउंडेशन आपकी रख रही है, सेम इसी तरह प्राइमरी सोर्सेज जिस तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेशन है, ये सारी चीजें आपकी फाउंडेशन रख रही है। तो प्राइमरी सोर्सेज ने आपकी रख दी फाउंडेशन, उसके बाद आपके आगे सेकेंडरी सोर्सेज, फिर उसके बाद आगे दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपने इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है, एक्सप्लेन किस तरह करने हैं, आपके जो लॉज हैं आपने उनको अप्लाई किस तरह करने हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस देगी। इस तरह आपको समझ आ रही है ना कि ये एक प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है और इनके इंटरलिंक होने की वजह से आप लॉ को कितने इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमारा पहला कंक्लूजन तो भाई ये निकला है कि लॉ के डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी आपने पढ़ लिए तीन और तीन सेकेंडरी पढ़ लिए और फिर आपने देखा कि दोनों की ही इंपॉर्टेंस कितनी है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक फाउंडेशन सेट कर रहा है तो दूसरा आपको इंटरप्रेट में मदद इंटरप्रिटेशन में मदद कर रहा है।
ठीक है, आपको इनकी समझ इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका सिस्टम जो है वो फेयर है और कंसिस्टेंट है, और आपने किस तरह से फैसले करने हैं। इन सोर्सेज को समझ के ही आप अगले स्टेप की तरफ आ सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और आपको जहन में रखनी होगी कि आपकी सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 1000 साल पहले जो सोसाइटी थी वो आज सोसाइटी वैसी नहीं है, ठीक है। आज से 100 साल पहले जो आपके रूल्स थे वो आज वैसे नहीं है, उनको बेशक वो एग्जिस्ट करते हों लेकिन वो इवॉल्व होके एक अपने रिफाइन फॉर्म में आ गए हैं। तो जिस तरह सोसाइटी चेंज होती है उसी तरह आपके रूल्स और रेगुलेशंस भी जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, ठीक है। अब आप यहीं पे, हमारी वीडियो का एंड है, आपका यही चीज़ें थी जो समझना ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। अब आप सबसे पहले देख लें कि आउटलाइन आपकी सारी कवर हो गई है, लीगल सोर्सेज आपके पास होते क्या हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आपके पास क्या होते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी सोर्स के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया, लेजिस्लेशन कवर किया, प्रेसिडेंस कवर किया। फिर उसके बाद आपके पास अगली चीज आपने देखी सेकेंडरी सोर्स, जिसके अंदर आपने स्कॉलर्स का वर्क देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन देखी और कस्टमरी लॉ देखा। उसके बाद आपने इन दोनों के दरमियान जो ये इंटरलिंक्ड किस तरह है आपने ये चीज को देखी, और फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन देखा। आई होप सो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए होंगे। बहुत इजी टॉपिक था और मैंने इसको जितना हो सके उतना इजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है, और आपके सामने नोट्स रखे हैं इजी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। अभी आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।